अपने प्रोग्रामात के मौजू के तनवों के लिहाज से हर बार एक नए प्रोग्राम को पेश करता है अपने सामीन के सामने और कोशिश करता है कि उर्दू अदब के अच्छे ख्यालात को आपके साथ शेयर किया जाए। इस बार जो मौजू चुना गया और आइंदा जो मौजू चुने जाएंगे इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएंगे। आज हमारे प्रोग्राम में कुछ साथी पहली बार शरीक हुए, मैं ख़ास तौर से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से गौसिया सुल्ताना साहिबा का, मीर सादत अली साहब का, डॉक्टर मुबशिर साहब का और जमाल अजगर साहब का कि ये पहली बार हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। उर्दू का जमालियाती अदब, मैंने एक खातून को, शिकागो की बुजुर्ग खातून को दावत दी कि ये प्रोग्राम है आप उसमें शिरकत कीजिएगा। उन्होंने ये फरमाया जैसा कि यहाँ भी कहा कि उर्दू में जमालियात के अलावा और रखा क्या है। तालिब कहता है कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुर जाना किए। अमरीका और फुर्सत और तसव्वुर जाना कितना मुश्किल काम है, ये कोई नदीम शर्फी साहब से पूछा। जब मखदूम ने कहा था कि एक चमेली के मंडवे तले दो बदन प्यार की आग में जल गए, ये उर्दू के जमालियाती अदब का बिल्कुल इख्तितामी मंजर है कि एक चमेली के मंडवे तले दो बदन प्यार की आग में जल गए। और फैज कहता है कि तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है और आहो फगा कैसा कहाँ की आहोजारी। जमालियात के बाद आहो फगा कैसा कहाँ की आहोजारी, अदावेश उसने करम मिजाज यार। खवातीन हज़रात गुज़िश्ता 5 साल से गवारा, जब यूएसए के इंचार्ज की हैसियत से मैं अपनी जो भी जिम्मेदारियां मेरी थी मैं उसे कम आपको पूरा करता रहा, आप तमाम हजरात उसके गवाह हैं। आज मैं जिस शख्सियत का तारुफ करा रहा हूँ आपके सामने, इनका ताल्लुक अटलांटा की अदबी महफिलों से है, शिकागो में भी जाने पहचाने जाते हैं और पूरे अमरीका में अदब नवाज हल्कों में जाने पहचाने जाते हैं। असलम परवेज भाई अटलांटा के गवारा अदब यूएसए के इंचार्ज की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। असलम परवेज भाई अटलांटा में रेडियो प्रोग्राम करते हैं, इल्मी अदबी महफिल अदबी रसाइल भी जारी कर चुके हैं और खासे मशहूर जानी पहचानी शख्सियत हैं, आप लोगों से मुखातिब होंगे। असम भाई बात सुनिए, शुक्र हूँ। ये इन्होंने पाकिस्तान की फिल्में छोड़ दी। Thank you.
क्या बात, क्या बात। क्या हुआ, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट का काम है।